का मिनावा खान है, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वाले साहब स्कॉलनी रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से और अभी वो एजुकेशन फील्ड में हैं कोटवा यूनिवर्सिटी में। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मेरी दो छोटी बहनें हैं जो कि अभी अपनी एजुकेशन ले रही हैं पेशावर से। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, ये 2005 की बात है। ये मुझे शौक हुआ कि मैं किसी कैडेट कॉलेज ज्वाइन करूँगी, कैडेट कॉलेज ज्वाइन करूँ। तो मेरा पी एफ ज्वाइन करने का भी बहुत शौक था। मैंने पी एफ पब्लिक स्कूल सरगोधा का टेस्ट दिया, लेकिन वहाँ मैंने इंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में मैं नहीं आगे क्लियर कर सका। तो मुझे बड़ा मायूसी हुई, लेकिन कुछ महीने बाद मुझे उसी कॉलेज से एक लेटर आया कि एक इंस्टीट्यूशन खोला जा रहा है सगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल के नाम से राशिदाबाद में, सिंध में, जो कि ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो कि सगोदियंस हैं उनकी उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन का आगाज़ किया है। उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्राई करें अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आप थोड़े से मेरिट से रह गए हैं, तो अगर आप वहाँ जाना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने कहा कि ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं, तो मैंने जाके प्रोस्पेक्टस खरीदा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ी डिस्करेजमेंट हुई है देख के कि इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे और मेरे फादर ये अफोर्ड नहीं कर पाते जो एक्सपेंसेस स्कूल के थे। तो फिर मैंने हेड ऑफिस जो इनका है सगोदियन स्पिरिट ट्रस्ट स्कूल का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, वहाँ कॉल की, उनसे बात की, मेरी मदर ने भी मेरे फादर ने भी इस बारे में। तो फिर पता चला कि जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है वो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रही हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि एक स्टैंडर्ड कैलिबर के हैं, जो कि उनकी कैलिबर जो एक जिनमें एक टैलेंट है जो कि आगे बढ़ सके कुछ कर सकते हैं, उनको वो एक स्पेशल स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए और काफ़ी और लड़कों ने भी अप्लाई किया और मुझे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया इस्लामाबाद। मैं इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ पे मिस्टर अनस थे जो इंटरव्यू ले रहे थे ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के, मिस्टर ज़काउल्ला थे, सर मानुल्ला थे और वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के पहले मिस्टर जावेद, जिन्हें मैं इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू होने के बाद मुझे इतना ख़ास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ऐसी ख़ास बात है, लेकिन उनको कुछ ख़ास मुझ में नज़र आया जिन्होंने मुझे इतने सारे लड़कों में से उन चंद लड़कों में सेलेक्ट किया कि मैं स्कॉलरशिप पे फुल स्कॉलरशिप पे यहाँ पे अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकूँ। 15 अगस्त 2005 ये डेट थी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया और मैं यहाँ पे आया। मैंने देखा कि यहाँ ब्रिटिश प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ही हाई प्रोफेशनल कैलिबर के थे, बहुत ही डेडिकेटेड हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, और मैंने देखा कि हमारे जो यहाँ पे मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे पूरे पाकिस्तान से जमा हुए थे। तो एक सॉर्ट ऑफ मिनी पाकिस्तान जमा हुआ था यहाँ पे, इसको एक छोटा पाकिस्तान भी कहा जा सकता है हमारे स्कूल को, कि हर कोने खुदरे से, चाहे वो डेरा बुख्ती हो, चाहे वो चित्राल हो, चाहे वो कराची हो, पेशावर हो या कश्मीर हो, हर इलाके से हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये इन्वायरमेंट ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं कुछ करूँ इस स्कूल के लिए। और चूँकि मैं फर्स्ट बैच में था तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि हमें कि हमने ये स्कूल को चलाना है, जो कि फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे पायनियर स्कूल पे। और चंद फैक्टर्स जो थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं अपनी मेहनत और लगन जारी रखूँ, वो ये थे कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो जो आगे जाके मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरे माँ बाप मुझ पर फख्र करें। मेरे मामू अवैस, उनका एक स्टेज मेरी ज़िंदगी में मेरी एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू ना हो पाती अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया होता, तो मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता था। दूसरी बात, मेरे टीचर्स सर काशिफ इब्राहिम, ख़ास तौर पे सर नवीद, सर अज़र, सर सुहेल और सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनकी लगन और उनकी जो फादरली बिहेवियर था मेरे साथ, मुझे अंदर से वो आवाज़ आती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि इनकी मेहनत ज़ाया ना जाए। और तीसरी बात के जो मेरे स्पॉन्सर थे जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, लेफ्टिनेंट कर्नल अज़र हुसैन, मैं चाहता था उन्होंने जो मुझ पर इतनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने जो इतना खर्चा किया और जिस ट्रस्ट और यकीन के साथ मुझे वो यहाँ पर लेके आए, मैं नहीं चाहता था कि उनकी वो उम्मीद टूटे, कि उनका वो पैसा ज़ाया हो गया या उनका वो
जो यकीन था जिन्होंने मुझ पर किया है वो गलत था, जिस यकीन के साथ मुझे यहाँ पे लेके आए थे। मैं उनके साथ उनके लिए भी कुछ करना चाहता था, और चूँकि मैं इस स्कूल के पहले बैच ऑफ स्टूडेंट्स में था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल आगाज़ से था, बिल्कुल आगाज़ हुआ था इसका, मैं चाहता था कि स्कूल के लिए मैं कुछ करूँ ताकि स्कूल का नाम रोशन हो। अब आगे मैं फर्दर, अभी मैं ओ लेवल्स कर चुका हूँ, ओ लेवल्स नहीं है, IGCSE मैं कर चुका हूँ जो कि इक्विलेंट है मैट्रिक के। अभी मैं अपने ए लेवल्स कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं इससे भी बेहतर रिजल्ट्स अपने ए लेवल्स में प्रोड्यूस करूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें अपनी एजुकेशन, इतनी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूँ। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ास तौर पे जो इंजीनियरिंग की है, मैं वो ज्वाइन करना चाहूँगा, और चूँकि मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मैं बहुत खुशी होगी मुझे कि अगर कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दे फुल। पाकिस्तान के जो मसले, दो बड़े मेन मसले हैं आजकल जो चल रहे हैं, जो कि वाटर मैनेजमेंट में है और इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेशन में है, मैं चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँ ताकि मैं अपने पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान में मसाइल पेश आ रहे हैं उनको, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। मैं कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज में PhD करना चाहूँगा ताकि कुछ ऐसे पावर जनरेशन की टेक्निक्स पैदा कर सकूँ पाकिस्तान के लिए जो कि हमारी ये मसाइल को दूर कर सके, क्योंकि पावर जनरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बेस होती है, इसके अलावा इंडस्ट्री और कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। और यकीनी बात है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं इंशाल्लाह वो भी मेरा साथ देंगे, और इंशाल्लाह जो आप जो आवाम सुन रही है, जो यंग जनरेशन सुन रही है, मैं उनसे भी इल्तिजा करूँगा कि वो कुछ ना कुछ करें अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। इस मुल्क जो कि अभी इस वक्त एक से बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के शिकार है, अभी हमारे मुल्क को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। और हम लोग जो अभी सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं या बलूचिस्तान अलहदा करने के नारे लगा रहे हैं, हम लोग को अभी यूनिटी की ज़रूरत है। हम लोग को इस तरह की जो अभी बाहर से ऐसे अलमिया का शिकार है हमारा कंट्री, हम लोग को उसकी सपोर्ट की जरूरत, हम लोग को उसकी सपोर्ट करना चाहिए, इससे अलहदा होने की या इससे हाथ मुँह फेर लेने की अभी वक्त नहीं है इसका। इनाम, कभी आपने सोचा था कि आप इस तरह से कामयाब होंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे? मैंने मेहनत तो पूरी की थी अपनी, और मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा था जितना मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो मेरे पीछे काम कर रहे थे, जो पूरा स्कूल एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जो एक टीम एफर्ट थी, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ सका हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था। इट इज़ ऑल गॉड गिफ्टेड, और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझ पर हुई है, और इंशाल्लाह जो मैं ये इस चीज़ से नवाजा गया है और जो मैं मुझे टैलेंट दिया गया खुदा की तरफ से, मैं इंशाल्लाह इसको अपनी कंट्री की बहाली में इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। आपके वालदैन का क्या रिएक्शन था आपके कुछ देखने के बाद कि हमारे बेटे ने जो है मुल्क का कौम का नाम रोशन किया है, उनके क्या फीलिंग थी? मेरी मदर तो खैर जैसे आमतौर मदर्स होती हैं, वो रो पड़ी थी खुशी के आंसू से उनके, और मेरे फादर बहुत खुश थे क्योंकि उनके बेटे ने कुछ ऐसा किया था कि जिससे जो कि ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात थी। तो उन सारों का रिएक्शन, जो मेरे पूरे ख़ानदान वाले थे और मेरे सारे कज़न्स थे, उनका बहुत अच्छा रिएक्शन था, और वो और मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे नेबर्स थे, उनकी तरफ से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली, बहुत सपोर्ट मिली, और बहुत सारी दुआएं और गिफ्ट्स मिले कि मैं आगे भी कुछ ऐसा करूँ जो कि पाकिस्तान के लिए और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये थे 18 साल इनामुल्लाह जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया। मेरा नाम काशिफ इब्राहिम है, मैं यहाँ सरगोजी इंस्पेक्ट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। इनामुल्लाह मेरा स्टूडेंट था। पूछा गया है कि इनामुल्लाह कैसा स्टूडेंट था। ऑब्वियसली वर्ल्ड में टॉप किया है स्टूडेंट ने, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होगा। इनामुल्लाह मेरे साथ ही ऑब्वियसली यहाँ बोर्डिंग स्कूल है, तो यहाँ पर हम मुनासिब है कि पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। इनामुल्लाह को मैंने हमेशा जो है ना सिर्फ पढ़ाई में
के एटीट्यूड वाइज भी, रिस्पेक्ट वाइज भी हमने यहाँ से बेहतर पाया। क्लास में भी इज़ अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट, और क्लासेस के बाद जब शाम को इनकी अपनी प्राइवेट स्टडी का टाइम होता है तो इनामुल्लाह को मैंने हमेशा जो है वहाँ पर जब भी मैं ड्यूटी पर गया हूँ मैंने इनामुल्लाह को पहले से मैंने उसकी टेबल पर पाया पढ़ते हुए। तो इस किस्म का बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा एम रखने वाले स्टूडेंट हैं।